नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ होंडा एसपी के बारे में, कि आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लगभग इस बाइक को हमने 3000 प्लस किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ और क्या क्या अभी हमें इशू और क्या क्या प्रॉब्लम इस बाइक से देखने को मिल रही है आज हमको सारा बता देंगे। पहले आप देख लीजिए, जो हमारी गाड़ी है लगभग 3035 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हैं 3035 किलोमीटर। उसके बाद मैं आपका उसका रिव्यू बता रहा हूँ कि लगभग हमको ये गाड़ी इतने दिन यूज़ करने के बाद क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, कैसा परफॉर्मेंस है और कितना माइलेज इस बाइक से मिल रहा है, क्या ये बाइक आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्या ये आपके लिए बाइक वैल्यू फॉर मनी रहेगी या नहीं, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का उनको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर पहला बात कर लें जिसके लिए आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं, तो वो इसका एलईडी हेडलैम्प है। आप देख सकते हैं आपको इसमें एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी हमने लगभग इसको सारे कंडीशन में टेस्ट कर लिया है, नाइट में भी टेस्ट किया है, रेनी सीजन में भी टेस्ट किया, अच्छा रिस्पॉन्स इससे आ रहा है। उसके बाद दूसरा इसका मीटर कंसोल आप देख सकते हैं। मीटर कंसोल आपको पूरा फीचर लोडेड आपको देखने को मिलता है। आपको 125 सीसी में 1 लाख के अंदर और कोई बाइक ये फीचर्स ऑफर नहीं करती है। आप देख सकते हैं आपको इसमें 2 ट्रिप मीटर, रियल टाइम माइलेज और आपको एवरेज भी आपको आता है 64.7 के एमपीएल पर माइलेज देखने को मिल रहा है, जो कि एक और अच्छी बात है। उसके बाद इसका मीटर कंसोल जो मैं पॉइंट बता रहा, सेकंड पॉइंट जिसके लिए आप इसके जा सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं आपको पूरा फीचर लोडेड देखने को मिलता है। टॉप पे इको मोड शो होता है, आपके साइड के इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 335 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, बीच में आपको स्पीड बताता है और सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी मुझे गियर वाला, यहाँ पे एन जो शो कर आपका गियर में, आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में, थर्ड गियर में, फिफ्थ गियर में, यहाँ पे वैसा शो करेगा। कभी आप ट्रैफिक फंस जाते हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आपकी गाड़ी किस गियर में है, तो ये आपको पता चल जाएगा। इसमें 5 गियर आते हैं, 1 आगे लगता है आपको पता ही होगा और 4 पीछे लगते हैं। ओवरऑल बाइक जो है बहुत ही सही है, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। जो एक इशू था देखने को मिला वो गियर, कभी कभी इसका गियर फंस जाता है, जो कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, गियर फंसने वाला कभी कभी आपको शिकायत दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके बाद स्विच की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत अच्छी यूज़ की गई है, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। सारे स्विच जो है इस गाड़ी के बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको इंजन के स्विच भी देखने को मिलता है, जो कि थर्ड अच्छा पॉइंट है इस गाड़ी का, जिसके लिए आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। आपको बार बार की ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंजन की मदद से अपना इंजन बिल्कुल ही इजिली ऑफ कर सकेंगे। उसके बाद मैं आपसे गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आप गाड़ी का साउंड चेक कर लीजिए कैसा आपको साउंड देखने को मिलता है गाड़ी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस बाइक का एग्जॉस्ट भी चेक करा देता हूँ, क्या इसका रिस्पांस है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है। इसमें आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ESP यहाँ पर दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है इनहेंस स्टंट पावर, जो कि आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंटली बिल्कुल ही स्मूथली स्टार्ट कर देती है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या है ये ESP टेक्नोलॉजी इनहेंस स्टंट पावर, जिससे कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ही साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर कोई भी स्टार्टर नहीं लगाया गया, स्टार्टर इसमें रिमूव कर दिया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर दिखाता हूँ, एग्जॉस्ट साउंड देख सकते हैं। ये हमारा इंजन 3000 किलोमीटर चलने के बाद रिस्पॉन्स है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप बंद भी कर सकेंगे। तो आपने देखा, मैंने आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दी। इस आप इंजन की मदद से और जो आपका इंजन स्टार्टिंग है, आपको दोनों इंटीग्रेटर दिया गया है, दोनों के मदद से आपको दोनों एक ही स्विच में देखने को मिलता है। डाउन करेंगे तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आप प्रेस करेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। जिसका इंजन का एग्जॉस्ट है वो थोड़ा एनोइंग टाइप का, मतलब हल्का सा थोड़ा अलग दिया गया साउंड, आपको और किसी होंडा की बाइक में आपको ऐसा साउंड देखने को नहीं मिलेगा। हल्का आपको इसका जो साउंड थोड़ा हल्का अजीब सा देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर बात कर लें और क्या इससे दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल तो बाइक बहुत ही अच्छी है, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। एक ये अच्छा है, इसमें बैक में आपको इस पर रबड़ कोटिंग देखने को मिलती है, तो आपका बैक पे जो आपका कुछ भी अगर इससे सामान बांधते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रैच नहीं लगता है। पहले आपको ये पेंट वाला देखने को मिलता था तो वहाँ पे स्क्रैच लग जाता था, लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी, रबड़ है तो आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। उसका टैंक देख सकते हैं, टैंक अभी भी शाइनिंग आपका लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो दिक्कत परेशानी आ रही है, मैंने आपको बताया जो कभी कभी गियर इसका फंस जाता है, आपको उसमें थोड़ा दिक्कत परेशानी देखने को मिल जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा जो उसका इंजन का साउंड हल्का सा अलग आपको देखने को मिलता है। और बात कर लें तो मैं आपको जो उसका बैक का टायर है वहाँ पर थोड़ा आपको इशू देखने को मिल रहा है, 80x100 18 इंच के टायर दिए गए हैं बैक साइड में, तो वहाँ पर थोड़ा रोड पर हल्की कम ग्रिप आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपका माइलेज जो है गाड़ी बहुत अच्छा निकाल के दे रही है, आप सभी को पता ही होगा। और मैं आपको बता दूँ गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं, लुक वाइज इन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। आप लुक की वजह से, इसके LED हेडलैम्प की वजह से ब्रेकिंग अच्छी देखने को मिलती है, आप डिसेंट ब्रेकिंग कह सकते हैं, 50-50 ब्रेकिंग नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बैक में आपको CBS देखने को मिलती है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। अगर आप अपने बैक का ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपका अगला टायर भी लॉक होगा और पिछला टायर भी लॉक होगा, भले आप डिस्क गारंटी वाली बाइक लें, लेकिन ये एक अच्छी बात मुझे लगी जो CBS ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है होंडा कंपनी की। उसके बाद आपको इसमें जो LED हेडलैम्प देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा है, मीटर कंसोल बहुत अच्छा आपको इसमें देखने को मिलता है, लुक वाइज गाड़ी देखने बहुत अच्छी लगती है।
और जो बात कर लें गाड़ी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं जो इस गाड़ी का माइलेज है वो बहुत ही बेहतरीन आपको माइलेज प्रोवाइड करती है, जो कि सबसे बेस्ट बात लगी। 64.7 64.7 के एमपी वो माइलेज इतना मिली है, लगभग 3,000 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है, तब हमें इतने अच्छा माइलेज इनको मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक बहुत ही बेहतरीन माइलेज इनको मिला इस गाड़ी से, जो कि मुझे सबसे बेस्ट बात लगी इस गाड़ी की, कि आपको ये गाड़ी 125 सीसी होने के साथ साथ अच्छा माइलेज भी देती है। पिकअप वाइज भी गाड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पिकअप वाइज देखने को नहीं मिलने वाली है। पिकअप वाइज अच्छा पिकअप उठा लेती है, कोई आपको उसमें शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। जो एक थोड़ा नॉर्मल इशू मुझे देखने को मिला वो इसके पास बैक के टायर से आपको देखने को मिला है। अगर आपको ज़्यादा मिट्टी वाला रास्ता रहेगा या थोड़ा पानी वाला रास्ता रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा धीरे गाड़ी चलाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, कि हो सकता है आपको इसके बैक के टायर से आपको थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बहुत ही सही है ये माइलेज देने के लिए। टायर आपको 80/100 के आपको बैक में देखने को मिलते हैं। बाकी जो बैक में आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट में जो सस्पेंशन देखने को मिलता है, बैक में आपको हाइड्रोलिक, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, दोनों का ही बहुत सही रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सीट आप देख सकते हैं, सीट आपको इसमें लंबी देखने को मिलती है, तीन लोग भी आराम से इस गाड़ी बैठ सकते हैं। बैक का आप टेल लैंप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल बल्ब वाले रखा गया है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन आप देख सकते हैं अच्छी देखने में लगती है। तो सीट है उस पर आप लोग तीन लोग बैठ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। फैमिली बाइक है, डेली कंप्यूटर बाइक है, अगर डेली का 40-50 किलोमीटर अप डाउन हो तो बिल्कुल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही सही बाइक है, अभी तो कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिली है कोई बड़ी। आपको नॉर्मल थोड़ा सा गियर आपको कभी कभी फंस सकता है, और जो इसका इंजन का साउंड है थोड़ा हल्का एनोइंग टाइप का है। बाकी अगर आपको नॉर्मल रोड पर चलाने हैं तो बहुत अच्छा आपको इससे गाड़ी से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको डेली नॉर्मल रोड पर अगर आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं तब कोई गाड़ी बेहतरीन माइलेज और बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर बात कर लें आपको इस बाइक के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लगभग अगर वो बजट 90-95,000 के आसपास हो तो आप बिल्कुल इस बाइक के साथ जा सकते हैं। आपको इसके कंपटीशन में ग्लैमर देखने को मिलती है, पल्सर देखने को मिलती है, और आपको एक होंडा साइन बाइक देखने को मिलती है जो होंडा कंपनी की है। लेकिन जो आपको इसमें फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें जो आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो लुक देखने को मिलता है, और आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट फीचर देखने को मिलता है, वो उन बाइकों में ऑफर आपको नहीं होता है। आपको होंडा साइन में ऑफर देखने को मिलता है ESP टेक्नोलॉजी का, जो साइलेंट स्टार्ट फीचर है। बाकी आपको पल्सर और जो आपकी ग्लैमर होगी उसमें आपको इन चारों पांचों फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपको ये बेहतरीन लुक देखने को मिलेगा, ना ही आपको ये जो मीटर कंसोल वो देखने को मिलेगा, ना ही आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, और ना ही आपको ऐसा बेहतरीन माइलेज देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको माइलेज दिखा दिया अभी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, 64.7 के एम्पल का वो माइलेज देखने को मिल रहा है, और वो भी गाड़ी हमने 3,000+ किलोमीटर चला ली तब आपको देखने को मिल रहा है। अगर हमें 500,000 किलोमीटर चलाई होती तो बात भी समझ में आती, लेकिन 3,000 पे अगर हमें 64 का माइलेज मिल रहा है, 60+ माइलेज मिल रहा है, आप 60 का ही माइलेज मान के चलिए तो बहुत अच्छी बात रहने वाली है। तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे जो इसका मीटर कंसोल गलत माइलेज शो करता है, लेकिन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितने का माइलेज इस बाइक से देखने को मिलता है। और अगर आपके पल्सर हो या ग्लैमर हो तो आप उसका भी माइलेज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कि अगर आपका BS6 पल्सर या ग्लैमर हो तो उसका आपको कितने का माइलेज देखने को मिल रहा है। और अगर आपके पास होंडा साइन हो, होंडा SP हो, जो भी आपके पास बाइक हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको 125 सीसी में कितना माइलेज देखने को मिल रहा है और किस बाइक से कितना देखने को मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। और जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास होंडा SP बाइक हो तो आपको इससे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली और क्या आपको अच्छे फीचर लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आप सबके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुके, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।